ये देखें दूसरी साइड से भी मैंने इसको सेक लिया और खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। प्याज और जो टमाटर है ना वो मैं इसको ठंडा करके फिर इसमें शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आ रही हूँ, मैं बना रही हूँ चिकन पराठा और ये बड़े मज़े का बनेगा। चिकन के कीमे से हम बनाएंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआओं में मुझे याद रखें और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिए कुकिंग विद हबीबा के नाम से, उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। तो चलें फिर बनाते हैं चिकन पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। लाइट का थोड़ा सा इशू है, लाइट चली गई है, लेकिन मुझे पराठा बनाना था तो उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अल्लाह करे आ जाए वरना हम बनाएंगे। ये मैंने लिया है 125 ग्राम चिकन का कीमा, 125 ग्राम चिकन का कीमा। और इसमें मसाले जाएंगे नमक हसबे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च भी 1/4 टीस्पून, ज़ीरा और काली मिर्च भी 1/4 टीस्पून, और ये है चिकन पाउडर, ये भी मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। और ये एक प्याज चॉप, एक टमाटर, 3-4 सबज मिर्चें, इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। बस ये इसमें जाएंगे इन्ग्रीडियंट्स। और ऑयल जाएगा तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। ये ऑयल ले लिया मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी राई, राई ऑप्शनल होती है इसलिए मैं इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताती। और थोड़ा सा हम अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1/2 खाने का चम्मच, साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं ये कीमा। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कीमा अच्छा सा फ्राई हो गया, इसमें मैं ये डाल दूँगी सारे मसाले। इसको बस 1-2 मिनट और पकाऊंगी। प्याज और जो टमाटर है ना वो मैं इसको ठंडा करके फिर इसमें शामिल करूंगी। अभी इसको मसाले डाल के भून लेंगे थोड़ा सा और बस ये रेडी है। इसमें मैं प्याज और टमाटर जो है ना वो ठंडा करके शामिल करूँगी। पराठे के लिए मैंने 1 कप लिया था फाइन आटा, 1 कप लिया था मैंने चक्की वाला आटा, बड़े वाला कप लिया था। उसमें मैंने डाल दी थी थोड़ी सी चीनी और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया था, 1/2 टीस्पून के करीब चीनी और 1/2 टीस्पून नमक। और उसको गूंद लिया नरम सा, बहुत ना बहुत सख्त ना बहुत नरम, इस तरह से गूंद लिया। अब इसका मैंने पेड़ा बना के रोटी एक बेली है इसमें डाल देंगे हम ये फिलिंग, और इसका हम बनाएंगे पराठा। लाइट आई नहीं, पता नहीं किस वक्त आएगी, पराठा मुझे बनाना था ज़रूरी। इसको मैं फुल करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस पर हम डाल देंगे ये, आप जैसे पोटली बनाते हैं ना वो भी, एक बार वो भी मैं बनाऊंगी जो किसी और चीज़ की फिलिंग हम करेंगे, जैसे कीमे की या आलू की फिलिंग, उसकी फिर पोटली वाला पराठा। मेरी खाला हैं उनको आता है वो बनाना, उनसे सीख के फिर आप बनाऊँगी इसका। इसी तरह मैं दूसरा भी बना लेती हूँ, 2 पराठे बना रही हूँ मैं। तवा गरम हो गया है, इस पर पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी।
इस पर और ऑयल डाल दूंगी मैं। पूरी पराठा है ये माशाल्लाह, लाइट की कमी है ना, रोशनी। इसको मैं दोनों तरफ से सेक के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें दूसरी साइड से भी मैंने इसको सेक लिया, बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। ये मैंने दूसरा भी डाल दिया पराठा, माशाल्लाह। इसको सेक के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें पराठे हमारे रेडी, चिकन पराठा। इसको मैं ये दही चटनी के साथ सर्व कर दिया मैंने। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।